हेलो व्यूअर्स, मैं प्रेमशीला कुमारी। आज मैं कम इंग्रेडिएंट्स में केक बनाऊंगी जो आपके घर में मिल जाएंगे। और लॉकडाउन में बनाइए कम चीज़ों में। आइए बनाते हैं केक। फ्रेंड्स, केक के लिए जो हमें सामान चाहिए, दही है। इसमें से मैं 2 कप दही यूज करूंगी, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, मैदा, टूटी फूटी और चीनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कप लेंगे। जिस चीज़ से आप शुरू करेंगे उसी हर चीज़ उसी चीज़ से नापेंगे। तो मैंने सबसे पहले दही लेंगे, इसमें 2 कप दही। दही ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा होगा तो केक खट्टा हो जाएगा। 1 कप। दूसरा कप भी लेंगे, देखिए ये 2 कप। अब इसी कप से हम 1.5 कप चीनी लेंगे। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं या साबुत चीनी, नॉर्मल चीनी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दही में छोड़ना है हमें कुछ देर के लिए तो पिघल जाएगा। आधे कप और लेंगे, देखिए ये हो गया, आधे कप हो गया। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग पाउडर हम लेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच। मीठा सोडा 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच मीठा सोडा। अभी सबको हम मिक्स करके और ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे बनाना। फ्रेंड्स, देखिए कैसे खमीर निकल गया, आ गया है। इसमें चीनी भी पूरा मिक्स हो गया है। अब इसमें क्या करूँगे, पहले सबसे पहले ये 3/4 कप पौन कप तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं, बस मिक्स ही करना है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये मैदा है, इससे हम 3 कप मैदा लेंगे। मैदा मैं छान कर इसमें रखी हूँ, आप मैदे को छान लीजिए। 1 कप दो कप ये 3 कप मैदा मैं इसमें डाल, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें कॉटन फोल्ड के हिसाब से। अब अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बन पूरा मिक्स हो गया, कहीं लम्ब भी नहीं है इसमें। और मैं इसे कुकर में बनाऊंगी। एक कुकर लिया है, इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल को सभी जगह मिक्स कर देंगे इसे चार। और इसमें थोड़ा मैदा डालेंगे, मैदे को पूरे चारों ओर से फ्रेंड्स क्या करिए, रबड़ और सीटी निकाल कर ढक्कन लगा दीजिए। और 30 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं कि पका है कि नहीं। चाकू से हम चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, 30 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। मैं कुकर खोलती हूँ, देखिए परफेक्ट
हो गया, बिल्कुल पक चुका है। अब चाकू मैं लगाती हूँ, देखिए बिल्कुल नहीं चिपका हुआ है। अब गैस को बंद कर देते हैं और अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स देखिए ठंडा हो चुका है कुकर। अब कुकर को चारों ओर से ऐसे ऐसे थपथपा दीजिए, नीचे से भी इसके थपा दे। और अगर किनारी नहीं छोड़े तो थोड़ा थोड़ा चाकू से छोड़ा दीजिए। इस तरह से चारों ओर से ऐसे ही छूट जाता है। देखिए अब ऐसे आराम से निकालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए बनकर तैयार हो गया। इतना बढ़िया टेस्टी केक बनकर, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत स्पंजी केक हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया केक हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही टेस्टी हुआ है। एक बार आप ज़रूर बनाएं। पूरा वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए। हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए अगला वीडियो जल्दी देखने के लिए। थैंक यू।